गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ नमस्कार साथियों, 8 बज गए हैं, स्पीकर में आवाज आ रही है उसे बंद करता हूँ, इको कर रहा है। 8 बज गए हैं और आप लोग अपने स्पीकर बंद रखिए, क्योंकि आप लोगों के स्पीकर ऑन रहते हैं तो आवाज गूंज के वापस आती है, उससे बात करने में दिक्कत होती है। आज हम लोग भगवान शिव के वैज्ञानिक पहलुओं पर फिर से चर्चा करेंगे और आज छठा दिन है। पिछली बार दो तरह के मत सामने आए थे, एक था कि श्रावण मास में इसको पूर्ण कर दिया जाए और दूसरा मत ये सामने आया था कि विषय को जिस तरह विस्तार के साथ चर्चा चल रही है वैसे चलने दिया जाए। और जिज्ञासा लोगों की ये है कि पूरे के पूरे शैव जीवन शैली को विस्तार से समझा जाए। थोड़ा कुर्सी और पीछे रखे बस। इस स्थिति में अभी बीच में संयोग से गणना के दौरान ये पता चला कि 20 जनवरी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी त्रदोष का दिन पड़ रहा है। इस दिन रावण का जन्म हुआ, तो मंदोदरी संहिता पर क्या आप लोगों की राय बनती है कि पिछले दो दिन जो मंगलवार और बृहस्पतिवार का संवाद है वो मंदोदरी संहिता पर कर लिया जाए और इस संवाद को अगले हफ्ते पोस्टपोन कर दिया जाए, या इसको ऐसी क्रम से चलने दिया जाए और जब ये क्रम पूरा हो जाए तब मंदोदरी संहिता पे चर्चा की जाए? आप लोगों का क्या मत है, क्या राय है आप लोगों की? गुरुजी जैसा आपको उचित लगे। और साथी अपने दो तीन लोग जवाब दीजिए। जैसे आप चाहते हैं गुरुजी। जैसा गुरुजी आपकी इच्छा। चलिए फिर मैं प्रणाम गुरुजी। हाँ। मंदोदरी जी का कर दीजिए। अच्छा। नेक्स्ट क्लास थोड़ा अलग नॉलेजेबल मिलेगा। हाँ नहीं, वो भी शैव पद्धति का और विकसित स्वरूप है तो उसमें ठीक रहेगा। बाकी तो शिव चर्चा हो ही रही। आज छठा दिन है, हम लोग पिछली बार ऊर्जाओं को जिस तरह से समझ रहे थे उसमें मैंने जो अपना पक्ष रखा था वो ये था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर की जो यात्रा है ये शैव जीवन शैली के साधना की यात्रा है। हम लोग जितना शैव जीवन शैली के निकट जाएंगे, जितना इस विज्ञान को समझेंगे, उतना ही हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और स्थूल से जब आप सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो एक समय वो आता है जब साधना में ऊर्जाओं से आपका सीधा संपर्क हो जाता है, आप ऊर्जाओं की भाषा से संवाद करने लगते हैं। यह संवाद मौखिक नहीं होता है, तरंगों के माध्यम से होता है। प्रकृति के अंदर की तरंगे और आपके मस्तिष्क के अंदर की तरंगों की फ्रीक्वेंसी लगभग एक बराबर होती है, इसमें कुछ माइक्रो सेकेंड का अंतर होता है। उस स्थिति में यदि उस माइक्रो सेकेंड के अंतर को हम साधना के स्तर पर जाकर मेंटेन कर लें, बढ़ा लें, तो हमारी मस्तिष्क की ऊर्जा और प्रकृति की ऊर्जा ये दोनों पैरलर चलने लगती है, एक ही वेवलेंथ पे चलने लगती है। और जब ये दोनों एक ही वेवलेंथ पे चलती है तो हमको प्रकृति से बहुत सी ऐसी सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं जो सामान्यतया सामान्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती। इस स्थूल से सूक्ष्म जगत की ओर जब आप बढ़ते हैं, जब आपका ऊर्जाओं से तरंगों के माध्यम से संवाद शुरू हो जाता है तो आपको शिव तत्व की सिद्धि होती है। यह शिव तत्व की जो ऊर्जा है ये ऊर्जा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति,
संचालन और इसके उपरांत ब्रह्मांड के विलय का कारण। हम लोगों का जीवन काल क्षण भ्रंगुर है, पैदा होते हैं और पलक झपकते मर जाते हैं। सृष्टि का काल अनंत है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होता है और ब्रह्मांड के विलय पर जाकर पूर्ण होता है, ये एक खंड। इसी तरह विलय के उपरांत भी काल अपनी गति से चलता रहता है, दूसरी लीलाएं करता है, दूसरे कार्य करता है। काल कभी भी विभाज्य नहीं, उसको बांटा नहीं जाता। हम लोग गणित के लिए या अपनी समझ को विकसित करने के लिए काल को भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल कह देते हैं, लेकिन काल अखंड है, अनंत है, अनादि है, इसको कभी बांटा नहीं जाता। तो शिव तत्व की ऊर्जा जब सिद्ध हो जाती है तो फिर आपके अंदर वह शक्ति पैदा होने लगती है कि आप ईश्वर की तरह नई सृष्टि के निर्माण में ईश्वर के सहायक हो जाते हैं। यह ऊर्जा जब आप में जागृत होती है तो क्या कहलाता है, आपने ब्रह्मास्मि ऊर्जा को प्राप्त किया। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की सिद्धि यहीं से हो जाती है। फिर पंच तत्व आपके अधीन हो जाते हैं, आप वायु तत्व से जो भी सामग्री चाहते हैं वो प्राप्त होने लगती है, जल तत्व से जो सामग्री चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने लगती है, अग्नि तत्व से जो सामग्री चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने लगती है, और पृथ्वी तत्व से आप जो सामग्री चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने लगती है। उदाहरण के लिए हम लोग जब अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि द्रौपदी की उत्पत्ति अग्नि से, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मां को अग्नि से प्राप्त, यज्ञ से प्राप्त हव्य को खिला देने से इन शिशुओं का जन्म। इसी तरह बहुत से उदाहरण हैं जो अग्नि तत्व के प्राप्त होते हैं, जो यौगिक क्रिया द्वारा अग्नि से चीजों को प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य को प्राप्त किया जा सकता है, फल फूल पृथ्वी आकाश किसी भी चीज को प्राप्त किया, इसको अग्नि सिद्धि कहते हैं। इसके जो आचार्य हैं वो शांडिल्य ऋषि। इसी तरह जल तत्व में जाइए, भीष्म पितामह की मां गंगा थी, उन्होंने अनेक संतान जल तत्व से प्राप्त की। भीष्म पितामह मरते वक्त तक जब भी उदास परेशान होते थे तो अपनी मानसिक वेदनाओं को लेकर गंगा के निकट जाकर बैठते थे और जल तत्व का समग्र रूप मां के साथ संवाद करता था, भीष्म पितामह के साथ। बहुत से उदाहरण, गणेश जी की उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से हुई, पार्वती ने पुतला बनाया बच्चे का, उससे प्राण प्रतिष्ठा करके गणेश बन गए। तो इस तरह के हमारे साहित्यों में दर्जनों उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों मिलेंगे बल्कि, जिन्होंने अलग अलग तत्वों के साथ अपनी मानसिक तरंगों का सामंजस्य बिठाया और वो उस तत्व के द्वारा उन अद्भुत चीजों को उन्होंने प्राप्त किया जो सामान्य मनुष्य की कल्पना के परे है। इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी जो है, हिंदू दर्शन जो है, इसको पश्चिम के वैज्ञानिक मिथ कहते हैं। माइथोलॉजी माने मैथोलॉजी, मैथ माने काल्पनिक चर्चाएं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका आहार विहार विचार संस्कार इतना दूषित होता है कि उनको ये सारी चीजें मिथ लगती हैं। देखिए, परमिशन दीजिए, मिथ लगती हैं।
लेकिन ऐसा है नहीं, चीजें घटित होती हैं, चमत्कार होते हैं, और ईश्वर की कृपा से आपको चमत्कार समझने का मौका मिलता है। हम जिन साधनाओं की चर्चा कर रहे हैं वो सभी साधनाएं जो वैष्णव परंपरा में, वो हमें किसी एक तत्व की सिद्धि देती। बहुत साधक परिश्रम कर ले तो दो तत्वों तक सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन शैल जीवन शैली की साधना जो है ये पंचभूत सिद्धि देती है, पांचों तत्वों पर सिद्धि देती है, और पंचभूत सिद्धि प्राप्त व्यक्ति अपने संस्कार पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाने के कारण अपने कर्मफल से भी मुक्त हो जाता है। इसका एक विज्ञान है, वो विज्ञान मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग की क्लास अगर आप लोग अटेंड करेंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि व्यक्ति अपने कर्मफल से कैसे मुक्त होता है। तो इसके साथ में वैष्णव लेखकों ने एक व्यवस्था के तहत योग सिद्धि में सबसे ज्यादा जो अपना फोकस किया वो फोकस किया अवतारवाद। इसीलिए वैष्णव में साधना पद्धतियों में इष्ट आराध्य अवतार के रूप में माने जाने लगे। राम को अवतार मान लिया, वराह को अवतार मान लिया, नरसिंह को अवतार मान लिया, कृष्ण को अवतार मान लिया। तो अवतार मान लेना और व्यक्ति का अवतार होना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। गाय का असली दूध होना और गाय के दूध की जगह उपलब्ध भैंस के दूध को गाय का दूध मान लेना, दोनों के गुणधर्म में फर्क। कैसे होए मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में जो जल है, मन के चंगा होने से कठौती का जल आप गंगा जल जैसा मान लेते हैं, लेकिन वो गंगा जल नहीं। गंगा जल के गुणधर्म अलग अलग। इसी तरह साधना सिद्धि में जिन देव ऊर्जाओं की मदद ली जाती वो सारी की सारी देव ऊर्जाएं ईश्वर की व्यवस्था के तहत जो प्रकृति ने उपलब्ध कराई है वो अलग हैं, और अवतारों को देव ऊर्जा मान लेना और उनके माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना, ये दोनों विज्ञान एकदम अलग अलग। इसीलिए अवतारों के माध्यम से जब सिद्धि प्राप्त करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा फोकस होता है भक्ति योग, और दूसरी पद्धतियों पर फोकस नहीं होता। भक्ति योग पर क्या फोकस होता है कि आप उस अवतार को ईश्वर का अंश मानकर अपना संपूर्ण समर्पण उस अवतार के प्रति कर दीजिए और अपने विवेक का प्रयोग बंद कर दीजिए और वह अवतार आपके हित का ध्यान रखते हुए आपको स्वतः सिद्धियां दे देगा। ये अवतारवाद की अवधारण। जबकि शैव जीवन शैली क्या है, यहां पर अवतारवाद की कोई अवधारणा नहीं। यहां पर साधना के स्तर में भगवान शिव ये बतला रहे हैं कि ब्रह्मांड में जो शैव ऊर्जा है जिससे सृष्टि संचालित हो रही है उसके एक अपने कंपन का स्तर है, वाइब्रेशन है, उसमें उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। आपके मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड के अंदर जो आत्म स्वरूप आत्मा है उस आत्मा के अंदर जो कंपन है वह भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, कुछ माइक्रो मिली सेकेंड स्पीड कम है। जब आप साधना करते हैं अपनी खंडित ऑरा को समेटना शुरू करते हैं
अभी रशिया में एक कैमरा विकसित किया गया, उसमें व्यक्ति का ऑरा भी व्यक्ति के साथ खींच लिया जाता है। तो देखा गया कि जो व्यक्ति डीप मेडिटेशन में जाते हैं उनके ऑरे की आकृति शरीर के साथ उच्च स्तर पर जाकर अंडाकार हो जाती है, यूं बनती है। और जब साधक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का फोटो ली जाती है तो वह ऑरा गर्दन के नीचे से शुरू होकर यूं बिखरा हुआ स्थिति में होता। तो मतलब यह है कि जब आप सामान्य सांसारिक जीवन जीते हैं तो क्षैतिज ऊर्जा हॉरिजेंटल ऊर्जा काम करती है, और जब आप साधना करते हैं तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा वर्टिकल ऊर्जा आपके साथ काम करती है। तो ये जिस ऊर्जा की आप साधना करते हैं मस्तिष्क के अंदर जो क्षमता है वह आपके ऑरे की ऊर्जा को उसी स्वरूप में बना देती है। यह स्वरूप आपके अंगूठे की आकृति का बना हुआ आत्म स्वरूप और आपके शरीर के ऑरे की ऊर्जा का संगठित ऑरा का जो स्वरूप है वो जिस क्षण आपके अंगूठे की ऊर्जा की समान आकृति ले लेता है आपका ऑरा जो कि शिवलिंग के आकार का होता है, उसी क्षण आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संपर्क कर सकते हैं, उनकी तरंगों से संवाद कर सकते हैं। और यह जितना अधिक समय तक आप संपर्क और संवाद करते हैं उतनी अधिक संभावनाएं आपको वहां से प्राप्त। ये शैव साधना पद्धति और वैष्णव साधना पद्धति में अंतर। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, औरा गुरु जी क्या है? अब आप तो वही बात करने लगे कि ग्रेजुएशन में आके पूछ रहे हैं कि इस माने क्या है। अध्ययन करिए इस सब के लिए। अब थोड़ा और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मेरा है गुरुजी प्रणाम। जब आप बता रहे हैं कि जो ऊर्जा का कंपन होता है तो जो सृष्टि के साथ में जब व्यक्ति का उसमें मैच होगा तो वो विचारों के माध्यम से होगा या विचारों से भी ऊपर होगा उसका कनेक्शन? विचारों से ऊपर, वो तरंगों में होगा, विचारों से ऊपर। जब विचार शून्य होगा तभी ऑरा शिवलिंग का आकार लेगा। जैसे मान लीजिए विचार शून्य हो गया और जो कंपन है तो जो मेरे पास जो आएगा वो कंपन से विचार में कन्वर्ट होके आएगा या डायरेक्टली कंपन में ही आएगा? मेरे डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा, विचार नहीं आएगा। वो कंपन की रिकॉर्डिंग आपके ब्रेन के अंदर हो जाएगी जी। अब जैसे कि इंटरनेट से आप डाटा जब लेते हैं तो वो इनक्रिप्टेड डाटा होता है, लेकिन आपके स्क्रीन पर जब वो दिखाई देता है तो वो डिजिटल डाटा के रूप में दिखाई देता है। उसी तरह ईश्वर से जब आपको तरंगों के माध्यम से चीजें प्राप्त होंगी तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होंगी। फिर जब आप अपनी साधना के बाहर निकलेंगे तो वो चीज जो आपके ब्रेन के पीनियल ग्राइंड में ब्रह्मांड के अंदर स्टोर हो गई है वो चीजें आपको आपके सांसारिक फॉर्मेट में विचार के रूप में दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ये जो प्रकृति से प्राप्त होगा ये तरंग के रूप में ही होगा, जैसे इंटरनेट में इंक्रिप्टेड डाटा चलता है। जी गुरुजी। चलिए देखिए, आप लोगों के प्रश्न जितने गहरे होंगे चीजों को हम उतनी और अंदर तक ले जा पाएंगे। आप लोगों को जो भी बता रहा हूं ये स्थूल बता रहा हूं और स्थूल में अभी गंभीर विषयों पर चर्चा मैंने शुरू ही नहीं की, इसलिए आप लोग
थोड़ा सूक्ष्म की तरफ बढ़े चिंतन में, तो फिर अध्यात्म के सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा शुरू हो, तब ब्रह्मास्मि क्रिया योग तंत्र सिद्धि इन सब चीजों पर, वैज्ञानिक पहलुओं पर, तरंगों के पहलुओं पर चर्चा शुरू हो। हाँ बताइए शिवम जी, आप क्या जानते हैं? गुरु जी बताइए। गुरु जी जैसा साधना कर लेते हैं या फिर हमारा तीसरे कंपन के संवाद होना शुरू हो जाता है, तो मैंने जहां तक सुना शिव ने कहा था कि एक स्तर वो भी है जब प्रकृति को अपने आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेतन रूप में मनुष्य प्रकृति, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी ऐसे हेलो बात करिए कम से कम आवाज तो आए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो आ रही है गुरुजी? हाँ आप बोलिए गुरुजी। जैसा सब जी शिव ने कहा था कि शिव को मनुष्य अचेतन में जी रहा है, प्रकृति के अधीन होकर जीवन मरण के में, और लेकिन कस्तर ऐसा भी आता है साधना में जब मनुष्य पृथ्वी प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है, तो इसके बारे में अभी तक 20 मिनट से जो मैं समझा रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ कि मनुष्य शैव जीवन शैली की साधना के द्वारा पंच तत्वों को अपने अधीन कर लेता, पंच तत्व क्या, प्रकृति को अपने अधीन कर लेता, यही तो 20 मिनट से समझा रहा हूँ। जो बात आप कह रहे हैं वही बात 20 मिनट से समझा रहा हूँ गुरु जी। हमें लगा आप लोग देर से आते हैं, आप बोल रहे जैसे आपने कहा, बोलिए। आपने कहा कि उस स्तर पर मनुष्य का संवाद प्रकृति से हो जाता है कंपन के रूप में, और मतलब ये बात है और एक ये बात है कि जब मनुष्य ईश्वर तक पहुंच जाता है और प्रकृति को अपने अधीन लेता है, जीवन मरण से छूट जाता है वो, बस गुरु जी आप लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं वैष्णव ग्रंथ और ये कथावाचकों की कथाएं सुन सुन के, कि वैज्ञानिक दृष्टि से चीजों को कहे जाने पर आप लोग अपने पूर्वाग्रह में जो चीजें कभी कहीं किसी से सुन रखी हैं या पढ़ रखी हैं उसका जबरदस्ती समावेश कर देते हैं। आप अगर पूर्वाग्रहों से समावेशित होकर मेरे विचार को समझना चाहेंगे, इसीलिए मैं तंत्र या ब्रह्मास्मि पर गंभीर बात नहीं करता, क्योंकि तो आप लोग उसमें वैष्णव कथावाचकों की कथाओं का इनपुट लगाकर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। जो चीज जितनी सरल भाषा में जिस भाव में कही जा रही वो चीज उसी भाव में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और आपको क्या समझ। 20 मिनट से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शैव जीवन शैली में अवतारवाद की अवधारणा नहीं है, यहां पर आप अपने औरे को शिवलिंगाकार जिस समय कर लेते हैं साधना के द्वारा, उसी समय आपकी उधर्व ऊर्जा से संपर्क होता है प्रकृति से, और तरंग रूप में जो ज्ञान आपके मस्तिष्क में आता है यह ज्ञान आपको सांसारिक भाषा में विचारों के रूप में समझ में आने लगता है। जब आप वैष्णव जीवन शैली में जाते हैं साधना करने तो वहां पर किसी ना किसी अवतार को इष्ट बनाना पड़ता है, और उस अवतार को इष्ट बनाने के बाद जब उस अवतार के आगे संपूर्ण समर्पण करते हैं तब उस अवतार के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता, प्रकृति से सीधा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो उस स्थिति में समय भी अधिक लगता है और जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस अवतार के माध्यम से वह संपूर्ण होने की संभावना काफी कम रहती, आंशिक रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि बीच में एक बैरियर लगा दिया गया, एक स्टेबलाइजर लगा दिया गया अवतारवाद का। ये बेसिक अंतर समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? जी गुरु जी समझ में आ गया, माफ गलत क्वेश्चन, मिस इंटरप्रिटेशन मत करिए, और पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं इसीलिए तो अभी तक
चीजों को समझने में परेशानी आ रही। चलिए तो ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म ग्रंथों में योग मतलब प्रकृति की ऊर्जा से संपर्क करने का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक माध्यम जो बताने की कोशिश की गई है वो वशिष्ठ ऋषि द्वारा बताया। वशिष्ठ ऋषि ने इस पूरे के पूरे विज्ञान को बहुत खुल करके समझाने का प्रयास किया है। योग वशिष्ठ ये एक तरह की साधना पद्धति, और योग वशिष्ठ जो है इस योग वशिष्ठ के अंदर जितनी भी विधान बताए गए ये सभी तत्व ज्ञान से संबंधित है या अवतार की ऊर्जा से संबंधित। यहां तक योग वशिष्ठ तक योग के जितने भी ज्ञान के पद्धति विधान बताए गए हैं यह सब विशुद्ध है, लेकिन शैव नहीं। जबकि आप जब इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैष्णव ग्रंथों में, वैसे वैसे आचार्यों ने जब योग ग्रंथों की समीक्षा करनी शुरू की उपनिषदों में, तो उन उपनिषदों में जो 108 प्रमाणित उपनिषद हैं, तो हजार से ज्यादा, लेकिन 108 जो प्रमाणित उपनिषद हैं, उन सारे उपनिषदों का जो आधार है वो योग वशिष्ठ है। योग वशिष्ठ ने जो कह दिया उसी को अपने अपने तरीके से अपने अपने गुरुकुलों में आचार्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, और जिस तरह के गुरुकुल में आचार्य ने जिस तरह का इंटरप्रिटेशन देकर लोगों को पढ़ाया वह इंटरप्रिटेशन एक उपनिषद के रूप में एक जगह एक सिलेबस के रूप में उस गुरुकुल का बन गया। इस तरह सारे देश में लाखों गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों में योग के लाखों तरह के इंटरप्रिटेशन किए गए, और उसमें एक गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाया जा रहा वो आचार्य जाकर दूसरे गुरुकुल में पढ़ाता था, जिसे विजिटिंग प्रोफेसर कहते थे। गुरुकुल जो चलाने वाले होते थे उन्हें दीक्षित कहते थे, आज जो ब्राह्मणों में दीक्षित जाने जाते हैं ये गुरुकुल के संस्थापक और संचालक होते थे, और इन दीक्षितों के यहाँ जो पढ़ाने जाते थे उन्हें कहते थे उपाध्याय। उपाध्याय माने विजिटिंग प्रोफेसर, तो ये उपाध्याय होते। तो ये जो विजिटिंग प्रोफेसर होते थे इन्होंने अपने कुछ सिद्धांतों को स्थापित किया था योग वशिष्ठ को आधार मानते हुए। उन सिद्धांतों का जो पठन पाठन होता था उनको बाद को उपनिषद रूप में कहानी रूप में सम्मिलित किया गया, ज्ञान रूप में सम्मिलित किया गया, और वो 108 कहानियां प्रमाणित मानी गई जिनके माध्यम से बच्चों को योग की शिक्षा, तत्व की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा दी जाती। लेकिन इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो माइनस बात थी वो ये थी कि सारे उपनिषद अवतारवाद पर आश्रित, अवतारवाद की अवधारणा व्यक्ति को मानसिक रूप से आश्रित बनाती है और व्यक्ति को निष्प्रभावी बनाती है, क्योंकि ईश्वर की यह अवधारणा करने वाले लोग ये सिद्ध कर देते हैं अपने तर्कों से कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ही चला रहा है, ईश्वर ही चलाएगा, उसकी इच्छा होगी तो तुम बचोगे, नहीं होगी तो नहीं बचोगे। तो ये जो सोच है ये सोच हमें अंदर से आलसी और कायर बना देती है। हम पुरुषार्थ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अवतारवाद की ऐसी घुट्टी पिलाई गई कि हमने ये मान लिया कि अब सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कलगी का अवतार होगा, जब भगवान आएंगे तब व्यवस्थाएं सुधरेंगी,
जैसे कि दुर्व्यवस्था में जीना हमारा कर्मों का फल है और दुर्व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलने का काम जो है वो मेरा नहीं है, वो जब भगवान का अवतार होगा तो वो करेंगे, इससे हमसे मतलब नहीं। तो ये जो अवतारवाद की अवधारणा है इसके पीछे मंतव्य क्या था? इसके पीछे मंतव्य था कि लोगों का एक वर्ग विशेष के प्रति निष्ठा जागृत, जिससे कि धर्म की स्थापना की जा सके और समाज को अपने तरीके से चलाया जा सके। लेकिन शहर जीवन शैली में ऐसा नहीं, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को यह कहा जाता है कि जैसे आम के वृक्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक आम के पौधे के फल के अंदर की गुठली में यह सामर्थ्य है कि वह दूसरा आम का पेड़ बन सकता है, इसलिए एक आम का फल हजार आम के पेड़ बनाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इसी तरह से वह ईश्वरीय ऊर्जा ने जो आपके शरीर के अंदर आत्म ऊर्जा को डालकर आपको स्थूल शरीर में भेजा है, यदि आप इस आत्म ऊर्जा को जागृत कर लें तो आप हजार व्यक्तियों को निर्मित करने का अपने मन मस्तिष्क की ऊर्जा से अधिकार रखते हैं। उदाहरण आप कहेंगे भी, उदाहरण है ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र जो किसी मैथुनिक व्यवस्था से नहीं हुए, लेकिन ये 10 मानस पुत्र सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा का कोई सहयोग नहीं किया, नालायक निकल गए। तब ब्रीड में कन्वर्जन किया गया, नस्ल सुधार किया गया और मैथुनिक सृष्टि की उत्पत्ति पर पूरा फोकस डाला गया, तो मानस पुत्रों की उत्पत्ति बंद हुई और सबसे पहला जो मैथुनिक व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुआ उसका नाम था जामवंत, जो रामचंद्र जी के साथ युद्ध में लड़े थे। ये ब्रह्मा के और सरस्वती के संयोग से पैदा हुए। ये ट्रायल बेस्ड प्रोग्राम था, इसीलिए बात को ब्रह्मा जी को प्रायश्चित करना पड़ा और वो प्रायश्चित करने के लिए नैमिषारण्य के निकट जहां भगवान राम ने हत्याहरणी जगह का नाम है, शाप विमोचनी हत्याहरणी जगह, तो यहां पर ब्रह्मा जी ने भी तप किया था। इस स्थान का ऐसा महत्व कि यहां पर प्रायश्चित करने से प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। तो मैथुनिक सृष्टि के जो प्रथम व्यक्ति हुए वो जामवंत जी। तो ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है आज भी जैसे क्लोनिंग की जाती है, तो क्लोनिंग क्या है? ये मैथुनिक व्यवस्था नहीं, आपकी बॉडी के सेल्स को लेकर के उनको डेवलप किया जाता है और उसको डेवलप करते 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 उसके सपोर्टिंग सेल्स उसमें जुड़ती जाती हैं, विकसित होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं और विकसित होती जाती हैं और होते होते स्थिति ये हो जाती है कि आप जैसा ही एक और व्यक्ति बनकर खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये मानस सृष्टि। तो योग वशिष्ठ में जो व्यवस्था दी गई वो पूरी की पूरी व्यवस्था विशुद्ध योग की व्यवस्था है। सारे उपनिषद योग वशिष्ठ के सिद्धांतों पर आश्रित है, आधारित है, लेकिन उसके अंदर उपनिषदों में कहानी के रूप में जो ज्ञान को समझाने का प्रयास किया गया वह व्यक्ति को अवतारवाद के काफी निकट ले गया, जिससे व्यक्ति अकर्मण्य हो गया, तप विहीन हो गया और ज्ञान का क्षय यहीं से शुरू हुआ और आज
स्थिति बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक हो गई कि लोग कहते जय विधि राखे राम तेह विधि रहिए और सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, मतलब पुरुषार्थ मत। तो ये जो सोच है ये वैष्णव साधना पद्धति की सोच है। शैव साधना पद्धति क्या कहती है कि आप ईश्वर का अंश हैं, जैसे वृक्ष के अंदर पैदा होने वाला आम उस वृक्ष का अंश है। आप क्योंकि ईश्वर के अंश हैं, तो जिस तरह ईश्वर ने इस सृष्टि में करोड़ों जीवों को बनाया, उसी तरह अगर आप अपने अंदर के उस ब्रह्म ऊर्जा को विकसित कर लें, तो आप भी करोड़ों तरह की चीजों का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे कि एक आम की गुठली को अगर सही तरह से रोपित कर दिया जाए तो वह करोड़ों तरह के आम के फल पैदा कर सकता है, जिनसे कि करोड़ों तरह के आम के वृक्ष बनाए जाते। तो वैष्णव साधना पद्धति और शैव साधना पद्धति का अंतर मैंने सरल भाषा में समझाया। अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा दिया। कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ा। प्रणाम गुरु जी। बोलिए दीपाली। हाँ जी, ये जैसे कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर शिव जी ने करोड़ों चीजें बनाई है, वैसे शैव साधक भी कर सकते हैं। तो फिर जैसे ऋषि विश्वामित्र जी ने नई सृष्टि का निर्माण किया, वो कहते हैं वो गलत है, तो फिर नहीं गलत नहीं है। असल में उन्होंने जो नई सृष्टि का निर्माण किया था वो द्वेष के भाव से किया। शैव साधना और वैष्णव साधना में यही अंतर। शैव साधना में व्यक्ति का चित्त निर्मल और शांत हो जाता है, संस्कार जलकर नष्ट हो जाते हैं, पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता, तब व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। वहां पर क्या था? वहां पर यह था कि इंद्र जो देवताओं के राजा है, उस इंद्र के आसन पर सत्यव्रत जो कि हरिश्चंद्र के पिता रघुवंशी क्षत्रिय सूर्यवंशी, उनको ये इंद्र के आसन पर स्थापित करना चाहते थे, जिससे कि सूर्यवंशियों का इंद्र आसन पर अधिकार पक्का हो। लेकिन अपने निजी कारणों से वो उसे मेंटेन नहीं कर पाए, उन्हें इंद्रलोक से हटा दिया देवताओं ने मिलकर के। तो जब उनको इंद्रलोक से हटा दिया तो उसके कारण इनका अहंकार जागृत हुआ विश्वामित्र का, कि मेरे व्यक्ति को इंद्रलोक से भगा दिया तुम लोग, अब मैं एक नई सृष्टि बनाऊंगा। तो वहां पर सृष्टि को बनाने का जो उद्देश्य है वो ईश्वर की तरह निर्मल नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था के अधीन स्वसंचालित नहीं है। वहां पर आवेग, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, घृणा से भरा हुआ है। परिणाम क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जिन चीजों का निर्माण करेगा वह चीजें भी निर्मल नहीं होंगी। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है और मां अगर ईर्षा द्वेष क्रोध इन सब से दिन रात ओतप्रोत रहती है, तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ऊर्जा है, वो बच्चे के दिमाग में जब जाती है, चिंतन में जब जाती है, तो क्या होता है? होता यह है कि बच्चा मां से उस तरह के वातावरण को गर्भ में स्वीकार कर लेता है, और जब गर्भ में स्वीकार कर लेता है तब क्या होता है, उसके संस्कार उसके अनुरूप गर्भ से ही विकसित होने लगते हैं। और वह बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने मां के गर्भ से मां के द्वारा दिए गए संस्कारों के अनुरूप समाज में काम करने लगता है।
इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि आपको भगवान का भजन करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, लोक गीत गाना चाहिए, संगीत में रुचि लेना चाहिए वगैरह वगैरह बहुत से विधान बताए। तो यहां पर जो उत्पत्ति विश्वामित्र द्वारा हो रही है वो घृणा द्वेष और अहंकार से हो रही है। शैव उपासक जब करेगा तो उसका चित्त निर्मल होगा, शांत होगा, संस्कार जल चुके होंगे और पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। ये फर्क है दोनों में। इसीलिए विश्वामित्र द्वारा की गई उत्पत्तियों को हमारे धर्मशास्त्रों ने स्वीकारा नहीं, क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन अलग। समझ में आई मेरी बात? माफ कीजिएगा गुरु जी, यहाँ पे पूर्वाग्रह से क्या मतलब है? पूर्वाग्रह से मतलब ये है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के पहले उस कार्य के पीछे जो हमारा मस्तिष्क निर्णय लेता है, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी हम क्यों लेने जाते हैं? इसलिए लेने जाते हैं कि आज सब्जी बनानी है, घर पे सब्जी नहीं है। अब क्या पूर्वाग्रह क्या करता है? पूर्वाग्रह कहता है कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी सब्जी लेके आना, ये पूर्वाग्रह। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम मंडी जाएंगे, जो हमें अपने अनुरूप दिखाई देगा उसे लेकर चले आए। लेकिन व्यक्ति मंडी में क्या करता है? झोला लेकर पूरी मंडी का 6 चक्कर लगाता है। किस चक्कर में लगाता है? कि कम से कम पैसे में सस्ती से सस्ती चीज अधिक से अधिक हमें कैसे मिले। तो वो जो 6 चक्कर लगा रहा है ये पूर्वाग्रह के कारण, जबकि वह बिना चक्कर लगाए भी सही चीज खरीद सकता। समझ में आई मेरी बात? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? गुरु जी, मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे बोलिए, आपने बोलिए। बस मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। जैसे आपने पूर्वाग्रह की बात की, तो जब मैं साधना क्षेत्र में कर रहा था, ये मंत्र से नहीं जाएगा। मैंने जो अनुभव किया, जो ध्यान पद्धति में जब आपने मुझे उतारा, तो मैंने ये पाया कि मैं सहज हुआ, कोई भी पूर्वाग्रह और आवेग मेरे अंदर नहीं रहा। ये ध्यान पे ही पाया मैंने, मंत्र पे नहीं पाया गुरु जी। जी जी, सही है, बिल्कुल सही है। तो क्रम को आगे बढ़ाया जाए। गुरु जी, एक छोटा सा मेरा सवाल था कि पूर्व, जैसे जन्म होते हैं पूर्व जन्म और अवतार, तो अवतार नाम की तो फिर कोई चीज नहीं है ना, सिर्फ व्यक्ति का पूर्व जन्म हुआ सर, बस वैष्णव ग्रंथ के हिसाब से भी। बस वाल्मीकि रामायण में भी आप देखिए तो जितना रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने राम को महिमा मंडित कर दिया है, वाल्मीकि रामायण में आप जाएंगे तो वहां पर राम को विष्णु का अवतार जरूर माना गया है, लेकिन एक राजकुमार के रूप में माना गया। इन्होंने यहाँ पर तो कह दिया कि सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड, सारा सब कुछ इन्हीं के अधीन है। तो ये जो अनावश्यक अतिशयोक्ति अलंकार में जो अपने अपने इष्ट की चर्चाएं होती हैं, ये व्यक्ति के अहंकार और पूर्वाग्रह दोनों को प्रभावित करती है। आप विष्णु जी का पढ़िए तो पता लगेगा कि विष्णु ही सब कुछ है। अब दुर्गा देवी, दुर्गा का पढ़िए तो पता लगे देवी दुर्गा ही सब कुछ है, विष्णु जी तो उनके एम्प्लाई है। शिव पुराण पढ़िए तो शिव पुराण में पता लगेगा शिव ही सब कुछ है, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं। काली के संदर्भ में ग्रंथ पढ़िए तो पता लगेगा काली ही ऐसी है, बाकी सब लोग व्यर्थ हैं। तो ये जो राइटर हैं, लेखक हैं, जो इन्होंने अपने अपने गुरुकुलों की दुकानों को चलाने के लिए अपने अपने आराध्य का इतना ज्यादा महिमा मंडन कर दिया, इतना ज्यादा महिमा मंडन कर दिया कि ये पूरा का पूरा महिमा मंडन अव्यवहारिक हो। जैसे कि एक बार आईजी साहब के साले साहब पुलिस की भर्ती में चले गए तो जो सिपाही दौड़ लगवा रहा था उसने उनके दौड़ लगाने पर जो टाइम लिखा जाता है कि 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगा, उसने एक अपना लिख दिया, एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 10 मिनट।
और वो सिपाही से जब वो मामला पहुंचा दरोगा जी के पास, तो दरोगा जी ने कहा आईजी साहब का मामला है, उन्होंने 10 मिनट को काट के 9 मिनट कर दिया। फिर वो जब फाइल सीओ के पास पहुंची तो उसने उसको भी रिमूवर लगाकर मिटा दिया, 8 मिनट कर दिया। इसी तरह होते 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 जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन पहुंचा मामला, जहां से भी अपॉइंटमेंट होना था, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो 2 मिनट हो गए। तो वहां पर जो नियुक्ति अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई चमचागिरी की पराकाष्ठा में कम से कम विश्व का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड मत तोड़ दो, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तो मेंटेन किए रहो। तो हमारे यहां भी क्या हुआ कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद जब राजाओं का आश्रय गुरुकुलों को मिलना बंद हो गया, क्योंकि राजा युद्ध में मर गए, तो उन आर्थिक तंगी के दौर में मेरे गुरुकुल में ज्यादा से ज्यादा छात्र आए और मुझसे ज्यादा से ज्यादा पढ़े, मुझे फाइनेंशियल लाभ हो, उन्होंने इनक्रिप्टेड फॉर्म में शास्त्रों को लिखना शुरू कर दिया। और लिखते 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 इतने ज्यादा ग्रंथों के अंदर घालमेल कर दिए गए कि उनको शुद्ध करना बहुत कठिन हो गया। तो ये जो पूरी की पूरी संरचना है धर्म की, ग्रंथों पर आश्रित, यह इसी तरह धीरे धीरे काल के साथ दूषित होती है। आजकल देखिए जैसे फाइनेंशियल कारणों से स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल वाले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चों को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं। कोई शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम करा रहा है, तो कोई गवर्नर का कार्यक्रम करा रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई जिससे क्षेत्र के लोगों को पता लगे कि हमारा बहुत बड़ा राजनीतिक संबंध है। अरे शिक्षा का इससे क्या लेना देना, पढ़ाओगे तो गणित ही, पढ़ाओगे तो हिस्ट्री ही, पढ़ाओगे तो इंग्लिश ही। मुख्यमंत्री आए तब भी वही हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी और शिक्षा मंत्री आए तब भी पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कोरोना काल में बच्चों की संख्या कम हो जाने के कारण जो वहां का मैनेजमेंट घबराया हुआ उसके कारण वो इस तरह की बेवकूफियों की हरकतों में लगे हुए। ठीक इसी तरह महाभारत के युद्ध के बाद जब राजाओं का युद्ध में समापन हो गया तो गुरुकुलों के संचालकों ने इसी तरह के मैनुपुलेटेड साहित्यों का निर्माण करना शुरू किया कि हमारे यहां आपसे अच्छी शिक्षा पद्धति है। किसी ने काली को महान बता दिया, किसी ने दुर्गा को महान बता दिया, किसी ने शंकर को महान बता दिया, किसी ने विष्णु को महान बता दिया, किसी ने गणेश को महान बता दिया, किसी ने कार्तिकेय को महान बता दिया। जिसके पास जिस तरह का वातावरण था उसने वैसा बता दिया और फिर बाद को वही चीजें लिखा पढ़ी में लिपिबद्ध होने लगी। इस तरह हमारा जो मूल साहित्यिक ज्ञान था सनातन धर्म का, उसमें मिलावट शुरू हो गई महाभारत काल के बाद। और उसको हम लोग अंग्रेजों और मुसलमानों को जबरदस्ती गाली देते। इसकी जो दुर्गति शुरू हुई वो तो भगवान श्री राम के रावण के हत्या के बाद ही शुरू हो गई, जब शैव ग्रंथों को पूरी पृथ्वी से हटाने का संकल्प ले लिया गया, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ स्थापित किया गया। अरे आपकी अपनी जीवन शैली है, अपनी संस्कृति है, आप अपने तरीके से जी रहे हैं, जी है। दूसरा व्यक्ति है वो अपने तरीके से जी रहा है, वो अपने तरीके से जी रहा है। अब ये कौन सी बदतमीजी है कि आपने एक घोड़ा छोड़ दिया, उसके पीछे सैनिक छोड़ दिए और कहा कि ये जहां चाहेगा स्वतंत्र रूप से चलेगा और जिसके राज्य में घुस जाएगा वो हमारे अधीन हो जाएगा और अगर वो हमारे अधीन नहीं होगा तो उससे हम युद्ध करेंगे। ये कौन सी जबरदस्ती है? और घोड़े के साथ घूमने वाले घोड़े को हटा करके उसी राजा के यहां घुसेड़ देते थे जिसकी संपत्ति हड़पनी होती थी। तो ये क्या है, ये मतलब धार्मिक डकैती, अश्वमेध यज्ञ माने धार्मिक डकैती। अब ये मतलब मोहम्मद गजनी अजनी को फालतू गाली देते, ये डकैती का क्रम तो न जाने कब से चला। तो अब उसको क्योंकि धर्म से जोड़ दिया गया, शास्त्र से जोड़ दिया गया, वाजपेयी यज्ञ से जोड़ दिया गया,
इनमें वाजपेयी लोगों ने बड़ी गड़बड़ी की है, वाजपेयी यज्ञ कराकर अवस्थियों ने बड़ी गड़बड़ी की है राजा को उकसा उकसा के, तो उसको उन चीजों से जोड़ दिया गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जो समाज के अंदर अलग अलग बौद्धिक स्तर के हिसाब से अलग अलग चिंतन शैली थी, अलग अलग जीवन शैली थी, वो एक ने दूसरे को ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे आजकल चल रहा है कि साहब हिंदुओं को ईसाई बना दो, हिंदुओं को मुसलमान बना दो, मुसलमानों को धर्म वो घर वापसी करा दो, ये कर दो ना, दुनिया की जो राजनीति आजकल अखबारों में आप देखते हैं, इसी तरह ये अनादिकाल से चल रहा है, ये आज नहीं चल रहा है, हमेशा से चल रहा है और ऐसे चलता रहे, आगे भी चलता रहे। एक गुरुजी क्षमा करिएगा, एक पूरे महाराष्ट्र में एक चलन है, मैं रहता था, ब्रह्मांड नायक और इतना ज्यादा उनके बारे में महिमा मंडित करके लिखा जाता है साईं के बारे में, और लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उनके लिए, और हर घर में ये होता है। अब देखिए लोकमान्य तिलक ने गणपति बब्बा का वो अनुष्ठान शुरू कराया, वरना पहले कहाँ होती थी गणपति बब्बा की पूजा, आज से 200 साल पहले नहीं होती। तो ये जो रामलीला क्या है, गोस्वामी तुलसीदास ने बनारस में 80 घाट से रामलीला शुरू की थी, राम रामचरितमानस लिखने के बाद तो रामलीला चल पड़ी, रावण जलाया जाने लगा, गोस्वामी तुलसीदास के पहले कहाँ रामलीला होती, और ना रावण जलाया जाता था ना कुंभकर्ण जलाया जाता था। आज तक किसी ने ये आपत्ति ही नहीं की कि रावण के मर जाने पर विभीषण ने जाकर के दाह संस्कार किया था, ये राम क्यों उसको तीर से जलाते हैं भाई, वो क्या उनके कुल खानदान के हैं, उनके वंश के हैं, उनके गोत्र के हैं, उनके रक्त संबंध है, क्या है राम कैसे रावण की अंत्येष्टि कर दे रहा। तो ये सारी बहुत सी चीजों में जो उसका काल्पनिकरण किया गया, इस काल्पनिकरण में काफी चीजें बदल दी गई, और उनको क्योंकि धर्म से जोड़ दिया गया, उन पर काव्य ग्रंथ लिख दिए गए, उन पर मंत्र लिख दिए गए, तो वो धर्म का हिस्सा बनाकर स्वीकार कर लिया। अब उस पर आप तटस्थ चर्चा करिए तो लोग आपको कहेंगे ये नास्तिक है, ये वामपंथी है, ये चाइना से पैसा आ रहा है, जर्मन से पैसा आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूं पहले मूल स्वरूप को समझ लीजिए, मूल स्वरूप जब आप समझ लेंगे तभी आप धर्म की ऊर्जा से कुछ कर पाएंगे। और आज हम लोग जो आध्यात्मिक होने के बाद, धार्मिक होने के बाद, पूजा पाठ निष्ठा मंत्र जप अनुष्ठान तंत्र सब करने के बाद भी भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका कारण क्या है कि हम कपोल कल्पित धर्म विज्ञान में घुसे हुए, कपोल कल्पित धर्म विज्ञान, वास्तविक धर्म विज्ञान विलुप्त हो गया। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि वास्तविक धर्म विज्ञान को समझिए और उसके माध्यम से अपना विकास करिए, अपना आत्म विकास करिए, अपना बौद्धिक विकास करिए, और उसके द्वारा आप पंच तत्वों की विद्या को समझकर अपना जीवन यापन करिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करिए। ब्रह्माष्टमी क्रिया योग तंत्र, अब बताइए कितना अद्भुत लगता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस ब्रह्माष्टमी क्रिया योग के द्वारा पूरी की पूरे आर्यावर्त को पुनः सनातन धर्म पर ले आए, इतने सशक्त योग पद्धति को लोगों ने विलुप्त कर दिया, चर्चा ही नहीं है कहीं, पतंजलि का अष्टांग योग हो रहा है, कहीं राजा भोज का योग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अरे मानसिक ऊर्जाओं की पूरी दुनिया संचालित हो रही है, मस्तिष्क की तरंग और प्रकृति की तरंग का खेल है। इस विज्ञान को सही तरह समझ लीजिए बस हो गया, इसी से सब कुछ होना, लेकिन लोग समझते नहीं। धर्म ग्रंथों में भी कपोल कल्पित कहानी पढ़ के फिर उसको शास्त्रार्थ करने बैठ जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें से ज्ञान और कल्पना इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ज्ञान जो है वह विशुद्ध है, उसे आत्मसात किए बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। कपोल कल्पित कल्पना जो है ये पूर्वाग्रह है, ये आपके संस्कारों को दूषित करती है, और हम लोग कपोल कल्पित कल्पनाओं के पूर्वाग्रह में ही फंसकर
पूरे जीवन भर ऊर्जा गलत डायरेक्शन में लगा करके मरते वक्त तक परेशान होते रहते हैं और अंततः फिर संस्कारों के साथ जाते हैं और फिर लौट के धरती पर आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चक्र है, इस पूरे के पूरे चक्र में शैव जीवन शैली का यथार्थ तंत्र विज्ञान, जिसके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के समान हो जाए, उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो प्रक्रिया है, ब्रह्मास्मि क्रिया योग, उसको अपनाइए, वहां जाइए। अभी जैसे बलजीत ने कहा कि मैंने मंत्र का अनुष्ठान किया कई साल तक, न जाने किस किस ने इनको मंत्र बताए हों, इंटरनेट से पढ़े होंगे, कुछ किया होगा, ये भटक रहे। फिर जब ये मेरे संपर्क में आए, मैंने इनको बताया सब मंत्र, सब पूजा, सब पाठ, सब बंद करो। साधना की सही पद्धति जो है उससे चलो, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ। इन्होंने उस पर साधना की 1.5-2 साल और आज इनको सिद्धियां मिलनी शुरू हो। इसी तरह राहुल द्विवेदी हैं बनारस में, बहुत से लोग हमारे तो न जाने कितने अरब देशों में शिष्य हैं, मुस्लिम हैं, वो यहां से कोरियर से रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला मंगा करके वहां पर उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया, सोच बदल गई, जीने का तरीका बदल गया। तो ये जो समग्रता है ज्ञान की, ये ज्ञान की समग्रता कब पैदा होगी? जब आप तथ्यजनक ऊर्जा के विज्ञान को समझेंगे, और जब तक उसके इर्द गिर्द जो कपोल कल्पित कहानियां जोड़ करके जबरदस्ती का बना दिया गया, उसमें उलझे रहेंगे, उन्हीं चीजों में घूमते रहेंगे, फूल माला चक्र और धूप बत्ती अगरबत्ती में लगे रहेंगे, तब तक आप सत्य की उस साधना के स्तर को नहीं समझ पाएंगे जो सीधे सीधे आपके पीनियल ग्लैंड के अंदर ब्रह्मांड में जो देव ऊर्जा जिसके कारण शरीर संचालित है उसको विकसित करने का विज्ञान आपके पास नहीं है। इट इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी इन हिंदू मैथोलॉजी। सत्य के चारों तरफ मिथ को इतना गढ़ दिया गया कि अब इंसान को सत्य दिखना बंद हो। तो मेरा जो प्रयास है वो ये है कि अपने जो 7, 10, 20, 50 लोग हैं, ज्यादा नहीं चाहिए आपको, भीड़ नहीं इकट्ठी करूंगा, वो लोग सत्य के उस विज्ञान को समझे, उस साधना उस पद्धति को समझे और उसके द्वारा अपना आत्म विकास करे, आत्म चेतना का विकास करे, जिससे कि ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय कंपन के निकट जाकर आप ईश्वर के साथ आत्मसात करकर ब्रह्म की ऊर्जा को प्राप्त करें, ब्रह्मास्त्र की क्रिया योग के माध्यम। ये मेरी अपनी इच्छा है, बाकी आप लोगों का अपना पुरुषार्थ है, इच्छा है। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई चीज जानना चाहते हो आप? गुरु जी, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ, करिए, संक्षेप में करिएगा। हाँ, संक्षेप में ही बिल्कुल करूंगा कि लोग आकर्षण नहीं मानते हैं, कि कहते हैं कि कोई आकर्षण चीजें नहीं होती है। आज का जो शिक्षा पद्धति है उसका दोष बता रहा हूँ। अब किस रूप में लोग इसको समझेंगे पता नहीं, लेकिन सर्वप्रथम जब मैंने आकर्षण प्रयोग किया था, उसका उद्देश्य आपको पता ही है, तो ये पहला एक चमत्कार था मेरे जीवन में, बहुत बड़ा चमत्कार था जिसने मेरी दिशा बदल दी। इतना सटीक और इतना करने के बाद उसको इतनी सरलता से किया जा सकता है, जिसके लिए लोग इतना पैसा ऐंठते हैं, ठगते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और इतना वैज्ञानिक तरीके से, उसके बाद जब इस पर निरंतर चिंतन करते करते आज यहां तक आया कि आपने मुझे इतना सक्षम बनाया। तो ये सब चीजें बहुत सरल है, लेकिन इनको कठिन बना के पेश किया गया। यही मैं कह रहा हूं, चीजें बहुत सरल, बहुत ही सामान्य ज्ञान है ये, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो महिमा मंडन कर दिया गया है,
गुरुकुलों के आचार्यों द्वारा, उसके कारण वह जो सत्य ज्ञान है वो छिप गया और उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं लोग उसी में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान हैं। तो इस 9 बज गया, एक घंटे कब कट जाते पता नहीं चलता है, आगे बताऊं या 9 बज गया है, लोगों की कार्य की व्यस्तता है, बंद कर दिया जाए, क्या राय है? जी बताइए गुरु जी, बताइए गुरु जी। दीपाली जी, गुरु जी कंटिन्यू रखिए गुरु जी। तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी है ना। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम ब्रह्मास्मिक ये योग वशिष्ठ जो कि वैष्णव योग ग्रंथों का आरंभ ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ, उसके बाद योग पर वैष्णव लेखकों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन समग्र और संपूर्ण और अंतिम ग्रंथ जो लिखकर आए वो महाभारत। महाभारत के बाद वैष्णव लेखकों द्वारा योग पर इतना प्रबल ग्रंथ कोई नहीं लिखा, इतना विस्तृत ग्रंथ कोई नहीं लिखा है। शायद आचार्यों द्वारा लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन वैष्णव लेखकों द्वारा नहीं लिखे। कारण क्या था? कारण यह था कि वैष्णव लेखक किसी ना किसी राजा के अधीन होते, उनका पोषण वहां से होता, और वो जब क्रम टूट गया तो लेखन करने वाले लोग बिखर गए। महाभारत किसने लिखी? महाभारत कृष्ण द्वापाय वेद व्यास ने लिखी। कृष्ण इसलिए कहते थे क्योंकि वो काले रंग के थे, उनकी मां जो थी मल्लाहिन थी, उसका रंग काला था, इस वजह से उसके गर्भ से पैदा होने के कारण मां के रंग पर वो चले गए तो काले रंग के थे। और द्वाबा जिसके दोनों तरफ नदी हो, बीच में टापू बन जाए, उस द्वाबा पर उनकी मां रहती थी, वहां पर उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको कृष्ण द्वापायन कहा गया। ये महर्षि पराशर के बेटे, और व्यास माने क्या होता है? व्यास माने राइटर, लेखक जिसे आज हम लोग कहते हैं, जो धर्म ग्रंथों का राइटर, उसे व्यास कहा गया। तो व्यास जी जो थे, जिन्होंने महाभारत लिखी, ये वैष्णव जीवन शैली के धर्म ग्रंथों के 28वें राइटर थे। 27 इनके पहले हो चुके थे जिन्होंने विभिन्न ग्रंथ लिख डाले, ये 28वें राइटर। और इन्होंने जो लिखा उसमें महाभारत का जो मूल स्वरूप है, जिसे इन्होंने वास्तव में लिखा है, वह ग्रंथ महाभारत नहीं था, उसका नाम था जय। और उसमें बस सिर्फ 8,000 श्लोक है। बात को सुखदेव जी महाराज को जब इन्होंने ये बताया सुनाया, तो सुखदेव जी महाराज ने इस पर विस्तार दिया, अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया, और जो चीजें इसमें और जोड़ी गई महाभारत ग्रंथ में, उसमें जो उसका अपग्रेड वर्जन आया, उस ग्रंथ का नाम जय की जगह विजय हो। उसमें 8,000 श्लोक की जगह 24,000 श्लोक हो गए, 3 गुना बढ़ गया। फिर इसके बाद उसमें और बढ़ोतरी हुई, और राइटरों ने अपनी बातें लिखी, करते कराते सूत जी महाराज तक बात पहुंची, जो सारी यूनिवर्सिटीज के जितने भी टीचर प्रोफेसर होते थे इनको ट्रेनिंग देते थे, इनके प्रशिक्षक थे सूत जी महाराज। सूत माने सूत्र, गुरुकुल को कैसे चलाना है इसके सूत्र देने वाला व्यक्ति
फार्मूले बताने वाला व्यक्ति, शैव जीवन शैली को नष्ट करके वैष्णव जीवन शैली को एजुकेशन सेक्टर में कैसे इंजेक्ट करना, मतलब वो जमाने के लॉर्ड मैकाले, उनका नाम था सूत जी महाराज। इनका जो ट्रेनिंग सेंटर था ये लखनऊ के निकट नैम साधन ने एक जगह 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये पूरे देश भर के सारे आचार्यों को बुला करके उनको प्रशिक्षित करते थे कि किस तरह शैव जीवन शैली को, शैव ज्ञान विज्ञान को नष्ट करके हमें वैष्णव ज्ञान विज्ञान स्थापित करना। और जो इन्होंने सबसे बड़ा अपना सेमिनार किया था उसमें 88,000 प्रोफेसर शामिल हुए। उस समय जय ग्रंथ जो 8,000 श्लोक था, जिसको कि सुखदेव ने विजय बनाया 24,000 श्लोक का, उसका जो वर्जन वहां पर पेश किया गया उसमें 1,00,000 श्लोक, और उसका नाम रखा गया भारत। क्यों रखा गया भारत? वैष्णव धर्म ग्रंथों की जितनी भी अच्छाइयां हैं, उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो सारी अच्छाई सारी उपलब्धियों को भारत के परिप्रेक्ष्य में जहां जहां जो जो घटित हुआ अनादि काल से वैष्णव संस्कृत की स्थापना के बाद से, उन सबको संग्रहित कर लिया गया, सारे राजाओं की घटनाओं को संग्रहित कर लिया गया, उनकी कार्यशैली, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन दर्शन, उनके राजनीतिक दर्शन, उनके आर्थिक दर्शन, उनके वैचारिक दर्शन, उनके बौद्धिक दर्शन, सबका समग्र स्वरूप जो बनाकर ग्रंथ को पेश किया गया उसे कहा गया भारत। भारत का समग्र इतिहास। फिर सूत जी के बाद जो अन्य प्रशिक्षक हुए उन्होंने उसको और मॉडिफाई किया, और करते 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 महाभारत का जो वर्तमान स्वरूप सामने आया उसमें 1,40,000 श्लोक। काल के प्रवाह में 30,000 श्लोक विलुप्त हो। अब जो ज्ञात श्लोकों की संख्या है जो ग्रंथों में पब्लिश होते हैं वो 1,10,000 श्लोक बचे, और अगर समग्र जितने राइटर उस जमाने के थे सूत जी के समय तक, उन सब के सारी यूनिवर्सिटीज के सारे जगहों के सारे डाटा को इकट्ठा कर लिया जाए तो महाभारत ग्रंथ में 60,00,000 श्लोकों का संग्रह किया जाता, 60,00,000 श्लोक। इसको वर्गीकृत कैसे किया गया कि कर्क रेखा के ऊपर के जो गुरुकुल थे उनमें देव विज्ञान को पढ़ाने के लिए जिन श्लोकों का निर्माण और कार्यक्रम पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया उनकी संख्या 30,00,000 थी। इसी तरह पितृलोक, मतलब पितृ विज्ञान, लोक माने यहां विज्ञान समझिए, वो देव विज्ञान या पितृ विज्ञान, पितृ विज्ञान के लिए जो डेवलप किया अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने उनकी संख्या पूरे विश्व में मिलाकर 15,00,000। इससे अनुमान लगाइए कि कितना परिश्रम किया होगा उन वैष्णव लोगों ने अपने को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के। इसके बाद गंधर्व विज्ञान, पहाड़ी क्षेत्र का जो विज्ञान होता है, उन लोगों ने जो डेवलप किया वो 14,00,000 किया, और मनुष्य लोग मतलब कि नीचे का क्षेत्र समुद्र के तटों के आसपास के जो लोग थे वहां पर जो गुरुकुल आदि चलाए जाते थे जहां पर व्यक्ति को नित्य परिश्रम करने के बाद रोटी खाने को मिलती, पुरुषार्थ के उपरांत खाने को मिलता,
विज्ञान बहुत विकसित नहीं था, वहां पर मनुष्यों के लिए जो श्लोकों का संग्रह किया गया गुरुकुलों में, उनकी संख्या 1,00,000, जो बाद को बढ़ के 1,40,000 हो गए, और अब फिर 30,000 श्लोकों के लोप हो जाने पर 1,10,000। इस तरह हमारे यहां महाभारत का निर्माण हुआ। 8,000 श्लोक से बढ़ते 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 60,00,000 श्लोक तक चला गया। अब समझ लीजिए इससे कि वैष्णव राइटरों के कल्पना और विज्ञान को तोड़ने मरोड़ने की क्षमता कितनी अद्भुत रही होगी, कि जो चीज 8,000 श्लोक में कही गई है उसके इर्द गिर्द लगाते 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 60,00,000 तक पहुंचा दिया, 200 गुना ज्यादा। अब आप किस सत्य को ढूंढ रहे हैं? महाभारत का जो प्रमाणित ग्रंथ है, प्रश्न होता प्रमाण, तो मैंने जितने 8 अलग अलग जगहों के महाभारतों का अध्ययन किया है, उसमें वेंकटेश्वर प्रेस की महाभारत को मैं मानता हूं, लेकिन उसकी उपलब्धता प्रायः नहीं हो पाती, धन के अभाव में है ये प्रेस। तो वर्तमान में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का, उनकी भी महाभारत मेरी दृष्टि से प्रमाणित मानी जाती है। लेकिन अगर वेंकटेश्वर प्रेस की मिले तो प्राथमिकता पर उसको ही पढ़ी। महाभारत ग्रंथ के प्रथम श्रोता सुखदेव जी महाराज थे, जिन्हें वेद व्यास ने स्वयं सुनाई थी। फिर इसके बाद ये गुरु शिष्य परंपरा में पूरी दुनिया में धीरे 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 विकसित हो। अब महाभारत युद्ध की चर्चा आज कर ली जाए संक्षेप में 10-15 मिनट में, या विस्तार से दोबारा की जाए? गुरुजी विस्तार से की जाए। तो आज अपन अपने अध्याय को यहीं पूर्ण करते हैं, और अगले 2 दिन क्या मंदोदरी संहिता पर चर्चा की जाए, अगर स्वीकृति हो सबकी, और नहीं तो फिर कभी रखा जाएगा, क्या राय है? जी गुरुजी, करनी चाहिए मंदोदरी और रावण की जो संहिता है उसके ऊपर। सहमति है। तो हम लोग अब जब मंगल को मिलेंगे तो मंदोदरी संहिता पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद फिर अगले हफ्ते के आगे के हफ्ते में जब हम लोगों की भेंट होगी तो हम लोग इस शिव पुराण के जो श्रेष्ठ दर्शन बाकी रह गए, ज्ञान बाकी रह गए हैं, उनको प्रयास करेंगे कि जितना संक्षेप में समेटा जा सके समेट लिया जाएगा, क्योंकि ये इतना विकसित और इतना विस्तृत विज्ञान है कि इसको समझने और समझाने में काफी समय लगेगा, लेकिन लोग समझ लें यही मेरी उपलब्धि है। मुझे इसी बात की खुशी है कि मैंने अपने पूरे जीवन में जो रिसर्च किया, जो शोध करके निकाला, उसे हमारी आने वाली पीढ़ी सुन रही है, मानेगी करेगी क्या करेगी ईश्वर जाने, लेकिन वह सुन रही है, यही मेरे जीवन की उपलब्धि है। तो हम लोग इसी संभावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम में पूर्ण विराम देते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम गुरु।